अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बच्चों में पैदाइशी तौर पे कटे हुए होंठ और तालू यानी क्लेफ्ट लिप और पैलेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कटे हुए होंठ और तालू की कॉजेज़ क्या हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इसका फॉलोअप कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले कटे हुए होंठ और तालू यानी क्लेफ्ट लिप और पैलेट की कॉजेज क्या हैं, तो लिटरेचर के अंदर इसको बेशुमार कॉजेज को डिस्कस किया गया है और ज़्यादातर जेनेटिक कॉजेज होती हैं जिसके अंदर अगर वालदैन में से किसी एक को कटे हुए होंठ या तालू का मसला है तो उसकी औलाद के अंदर भी ये चीज़ ट्रैवल कर सकती है और ये एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट ट्रैवल करती है, यानी कि अगर वालदैन में से किसी एक को क्लेफ्ट लिप या पैलेट का इशू है तो 50% चांसेस हैं कि उनके बच्चों में से किसी को क्लेफ्ट लिप या पैलेट हो सकता है। और इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल कॉजेज़, इन्वायरमेंटल कॉजेज में ज़्यादातर अगर तो मैटरनल स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स यानी कि झटकों से बचाव के लिए अगर कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही है वालदा, तो उनके बच्चों के अंदर चांसेस ज़्यादा हैं क्लेफ्ट लिप और पैलेट के। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ हैं वो डाइट्री कॉजेज़ हैं, डाइट्री डेफिशिएंसीज़ हैं। जिंक और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस रिस्क बढ़ जाते हैं बच्चों के अंदर क्लेफ्टिंग के। और इसके साथ साथ क्लेफ्ट लिप और पैलेट के साथ साथ जिन बच्चों के अंदर जिन बच्चों की माओं के अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी मोरू के अंदर डिफेक्ट्स और मोरू के अंदर गर्दन पे फोड़ा, कमर पे फोड़ा, ये चीज़ें बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जेनेटिक कॉजेज़ हैं या डाइट्री कॉजेज़ मोस्ट कॉमन हैं। तो नॉर्मली इसकी डायग्नोसिस तो इवन जब हमल के दौरान ही एक अनोमली स्कैन किया जाता है जिसमें बच्चे की बाकी अज़ा को देखा जाता है कि वो ठीक से बने हुए हैं या नहीं, तो उसके ऊपर भी इवन एंटीनेटली भी माँ के पेट के अंदर भी इसकी डायग्नोसिस हो जाती है कि बच्चे के होंठ या तालू प्रॉपरली बने हैं या नहीं, या उनमें क्लेफ्टिंग है, उनमें नुक्स है। और पैदाइश के बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन के ऊपर आपके सामने जब आप पीडियाट्रिशियन बच्चे को रिसीव करता है तो डिटेल एग्जामिनेशन के अंदर आपको पता चल जाता है कि इस बच्चे के अंदर क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है। अब कटे हुए होंठ और तालू की मुख्तलिफ इकसाम हैं, बाज़ औक़ात ये एक आइसोलेटेड एंटिटी होती है, या सिर्फ कटा हुआ होंठ है या सिर्फ कटा हुआ तालू है, तो इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या इन कम्बिनेशन और दोनों साइड्स के ऊपर भी, जो क्लेफ्ट लिप है दाएं साइड भी कटी हो सकती है जो कि ज़्यादा कॉमन है, या बाएं साइड भी कटी हो सकती है, एक साइड का कटा हुआ ना ज़्यादा कॉमन है लेकिन दो साइड भी होंठों की कटी हो सकती हैं। और इसी तरह इसके साथ साथ कटा हुआ तालू भी एसोसिएटेड हो सकता है। बाज़ औक़ात यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप, एक साइड का क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो सकता है, दोनों साइड का क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो सकता है, तो ये ज़्यादातर इसकी मोड ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं। ज़्यादा कॉमन किस में होता है और कौन सी टाइप ज़्यादा कॉमन है? बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है क्लेफ्ट लिप और पैलेट, और एक साइड का कटा हुआ होंठ और तालू ये ज़्यादा कॉमन है इसकी प्रेजेंटेशन। तो इसके बाद है इसका इलाज, इसका इलाज तो सर्जिकल ही है, लेकिन इलाज कब किया जाए? जनरली जो कटा हुआ होंठ है, क्लेफ्ट लिप है, इसकी सर्जरी की जाती है और वो सर्जरी की जाती है 3 से 6 महीने के दौरान, और जो क्लेफ्ट पैलेट है वो तकरीबन 9 से 12 महीने के दरमियान इसकी सर्जरी की जाती है, और बाज़ सेंटर्स में ये 15 से 18 महीने तक भी इसको डिले किया जाता है। मीनवाइल क्या किया जाए जब तक सर्जरी नहीं हो रही? बच्चा पैदा हो गया, एक कटा हुआ होंठ, एक प्रेजेंटेशन बच्चे की बहुत ही अजीब सी लगती है, पेरेंट्स बड़े वरीड होते हैं कि जी क्या किया जाए, तो मीनवाइल 3 से 6 महीने जब तक नहीं होते, सर्जरी पॉसिबल नहीं होती, तो उस वक्त तक डिफरेंट बाज़ औक़ात प्रोसेसेस लगाए जाते हैं कि जो कटी हुई साइड्स हैं, कटे हुए जो होंठ हैं उनको आपस में मिलाया जाए। तो सिंपल बाज़ औक़ात उसके ऊपर टेपिंग की जाती है, एक साइड से टेप गुजार के इस साइड को खींच के दूसरी साइड से मिला लिया जाता है चीक से चीक तक, तो उसकी वजह से ये दोनों फ्लैप्स आपस में करीब आ जाते हैं और आइंदा आने वाली सर्जरी ईजी हो जाती है, उसके रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म है तो एक प्रोस्थेसिस या एक आला लगाया जाता है
जिसको नेजो एल्वेलर मोल्डिंग कहते हैं, क्योंकि कटे हुए होंठ के साथ जो जबड़ा है वो भी कटा हुआ हो सकता है और पीछे तालू भी कटा हुआ हो सकता है। तो टीथिंग प्रॉब्लम, उनकी अलाइनमेंट को बेहतर करने के लिए, एल्वियोलस को, जबड़े की अलाइनमेंट को बेहतर करने के लिए बाज़ात प्रोस्थेसिस लगाई जाती है, एक आला लगाया जाता है जिसको नेजो एल्वियोलर मोल्डिंग भी कहा जाता है। तो उसके ज़रिए मीन वाइल जबड़े की अलाइनमेंट को और होंठों की अलाइनमेंट को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। जब 3 से 6 महीने के दरमियान लिप को रिपेयर किया जाता है, और इसके बड़े ज़बरदस्त अच्छे कॉस्मेटिक रिजल्ट्स हैं अगर प्रॉपर एक्सपर्ट बंदा इसको करे। और जो क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट पैलेट के लिए बेसिकली, क्योंकि क्लेफ्ट होता है, बच्चा सकिंग में प्रॉब्लम होती है, एस्पिरेट करने के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए स्पेशल किस्म के निप्पल्स यूज़ किए जाते हैं, बॉटल फीड दी जाती है और उसमें लॉन्ग निप्पल, लॉन्ग फीडिंग निप्पल्स होते हैं और एक न्यूक निप्पल है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, उस निप्पल को एडवाइज़ किया जाता है कि फीडिंग तब तक जब तक इसकी सर्जरी नहीं होती और वो सक्सेसफुल नहीं हो जाती, तो एक स्पेशल निप्पल के थ्रू बच्चे की फीडिंग की जाए। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बारे में मैंने सोचा कि इसको हम डिटेल में डिस्कस करें। और बाज़ोकात ये भी होता है कि सेकेंडरी मैनेजमेंट, एडिशनल सर्जरीज करनी पड़ती हैं, अगर तो लिप लाइन प्रॉपर नहीं बनी तो 5 साल के ऊपर उसकी सर्जरी, दोबारा से उसको रिवीजन करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ अगर जबड़ा प्रॉपर, टूथ इरप्शन प्रॉपर नहीं हुई तो बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ सकती है, वो 7 से 9 साल की उम्र में, और इसी तरह 15 से 16 साल की उम्र में अगर एस्थेटिकली स्कार बन गया है तो उसकी रिवीजन भी करनी पड़ सकती है। तो ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के ज़रिए क्लेफ्ट लिप का इलाज किया जाता है और क्लेफ्ट पैलेट का इलाज किया जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बच्चों के कटे हुए होंठ और तालू के मतलब काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसकी सर्जरी कौन करता है? तो सर्जरी में बेसिकली पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जन इसके सर्जरी करते हैं, इसके अलावा पीडियाट्रिक सर्जन्स, मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, एडल्ट प्लास्टिक सर्जन्स, ये सारे वो स्पेशलिटीज़ हैं जो के कटे हुए होंठ और तालू की सर्जरीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर आपके बच्चे में, आपके जानने वाले किसी भी बच्चे में क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है, तो उसको आज ही पीडियाट्रिक सर्जन को, पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जन को, मैक्सिलोफेशियल या प्लास्टिक सर्जन को लाजमी विज़िट करें। थैंक यू सो मच।